सबसे पहले मैनेजर कौन होता है? हु इज अ मैनेजर? अ मैनेजर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मॉनिटरिंग देयर वर्क एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी। तो हम पहले ही देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने स्टार्ट किया था, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है? वर्क करती है, एक इंस्टीट्यूट है, बट उसके लिए वर्क कौन करता है? वर्क कौन करता है? ह्यूमंस काम करते हैं उसके लिए। ह्यूमंस मतलब कौन? उसके मैनेजर। तो मैनेजर कौन होता है? एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वही कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है? प्लानिंग करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और मॉनिटरिंग भी करता है उनके वर्क को, और ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए एक्शन भी लेता है। और मैनेजर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज फॉर देयर फॉर डायरेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही किससे मिलके बनती है? मैन, मनी, मशीन, सबसे मिलके बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन होता है? मैन। और मैन मतलब कि मैनेजर की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके? जो बेसिक फंक्शन हमने पढ़े थे कि क्या फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मेन हमको क्या डिस्कस करना था, उसके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। जनरली देखा जाए तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, सभी कामों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हर टाइप का काम करता है, टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक, सुपरवाइजर का काम करता है, सारे बहुत सारे उसके बेसिक क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। बट हमने इसको क्या किया, समझने के लिए, मैनेजरियल रोल्स को समझने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए मैंने उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरपर्सनल रोल, सेकेंड कैटेगरी इज इंफॉर्मेशनल रोल, थर्ड इज डिसीजनल रोल। उसके बहुत सारे रोल हैं पर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंटरपर्सनल रोल। तो उसका फर्स्ट क्या काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरपर्सनल की बात करें तो एक फिगर हेड रोल होता है, लीडरशिप और लाइसेंस। क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट इज अ सिंबॉलिक रोल। अ मैनेजर हैज सोशल, सेरेमोनियल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, पीपल लुक अप टू हिम एज अ पर्सन विद अथॉरिटी एंड एज अ फिगर हेड। बात कर रहे हैं कि इट इज अ सिम्बॉलिक रूल, द मैनेजर परफॉर्म सोशल सारे सेरेमोनियल रोल प्ले करता है, ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस लाइक वेलकमिंग एंड ऑनरिंग द गेस्ट एंड विजिटर। सिंपल सी बात है। एक कौन होता है, अगर मैं इंटरपर्सनल रोल में देखूँ तो एक मैनेजर जो होता है वो एक अच्छा लीडर होता है। दिस इज वेयर मैनेजर प्रोवाइड लीडरशिप फॉर हिज टीम, हिज डिपार्टमेंट, परहैप्स हिज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स वेयर ही मतलब मैनेजर मैनेज द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन इन द ग्रुप। और अगर मैं बोलूँ तो इट इज अ रियल रोल, मैनेजर का जो रियल रोल होता है वो क्या होता है, लीडरशिप रोल होता है। A manager is a leader. He leads his subordinate. He guides them, motivates them to achieve organizational goals and objective. तो वो एक figure head की तरह काम कर रहा है कि अगर उसको क्या हो रहा है, कोई भी ceremony हो रही है, कोई भी उसकी बहुत सारी social duties भी होती हैं कि वो क्या करता है, अगर कोई guest भी आ रहा है तो welcome करने का काम भी करेगा, ठीक है, विजिटर्स को भी वेलकम करेगा। बट उसका मेन फंक्शन जो मुझे दिख रहा है, मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वर्क होता है जो भी, उसमें क्या होता है, एक लीडर की रिक्वायरमेंट होती है जो क्या करे, अपनी टीम को लीड करे, अपने सबॉर्डिनेटर को हेल्प करे, गाइड करे, मोटिवेट करे, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। थर्ड रोल क्या होता है उसका, लाइसन रोल होता है इसका। द क्या बोल रहा है, मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट विद इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। क्या करना होता है, मैनेजर सिर्फ कंपनी के अंदर काम नहीं करता है, वो कंपनी के बाहर भी देखना होता है, उसी के बेसिस पे तो वो क्या बनाता है, कंपनी के लिए स्ट्रेटेजीज बनाता है। ही नीड टू बी एबल टू नेटवर्क इफेक्टिवली ऑन बिहाफ ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजर एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइडर। दोनों के बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। ही इंटरैक्ट विद द इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड अदर डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको बहुत सारे लोगों के साथ डील करनी थी, तो वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेटर की तरह, बोलना कि कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। ये सब उसकी क्या है, इंटरपर्सनल कैपेबिलिटीज हैं या रोल्स हैं।
अब हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशनल रोल में सबसे पहले वो किसकी तरह काम करता है, मॉनिटर की तरह काम करता है। द रोल इन दिस कैटेगरी इन्वॉल्व प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। मॉनिटर इन दिस रोल मैनेजर रेगुलरली सीक आउट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री लुकिंग फॉर रिलेवेंट चेंज इन द एनवायरमेंट। ही ऑल्सो मॉनिटर्स हिज टीम इन टर्म ऑफ बोथ देयर प्रोडक्टिविटी एंड देयर वेलबींग। क्या बात कर रहा है, इन दिस रोल एक्ट एज अ मॉनिटर। मॉनिटर क्या काम करता था, वो सारी चीजें देखता था। ही मॉनिटर द इंफॉर्मेशन एंड अदर इवेंट टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। ही टेक नेसेसरी एक्शन। वो सारी चीजों को क्या करता है, चेक करता है, देखता है कि उस क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो अपनी टीम के लिए सारी चीजों के लिए अच्छे के लिए क्या करता रहता है, मॉनिटर करता है। फिर उसके बाद इसमें सेकंड इंफॉर्मेशनल रोल में सेकंड पार्ट क्या है, डिसेमिनेटर रोल। डिसेमिनेटर का जनरली मतलब क्या होता है, पासिंग इंफॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेटर। दिस इज वेयर मैनेजर कम्युनिकेट पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन टू हिज कलीग्स एंड हिज टीम। उसकी कोलिग्स और टीम्स को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेटर तक पहुंचाना है, ये भी उसका काम है। फिर स्पोक पर्सन की तरह वो काम करता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना नहीं है, अपने तक रखना नहीं है, बाहर भी तो इंफॉर्मेशन देनी होती है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस होती है, तो क्या बोल रहा है, मैनेजर रिप्रेजेंट एंड स्पीक फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन इन दिस रोल। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज organization and its goal to people outside it. In this role, the manager acts as a spokesperson. The organization, in fact, this role are not much different from the role disseminator for formation. In this role, manager plays organization's point of view of or defend the policies and programs of the organization wherever necessary. वो क्या करता है, जहां जरूरत है वो अपनी organization के बारे में spoke person की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, information communicate करना, information देने से related है। monitor कर रहा है अपने subordinator colleagues तक information को पहुंचाना है, outside the industry, outside the company, organization के बाहर अपनी company की क्या information देनी है, कहां उसको defend करना है, ये काम भी कौन करता है, मैनेजर करता है। ये इंफॉर्मेशनल था। अब नेक्स्ट है जो वो क्या है उसका, डिसीजनल। क्योंकि कंपनी में जब कोई मैनेजर वर्क करता है तो एज अ मैनेजर उसे बहुत सारे क्या लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं। स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनाना है, इंफॉर्मेशन देना है, लोगों को वेलकम करना है, लीडर की तरह काम करना है, मोटिवेट करना है, मॉनिटर करना है, बट साथ साथ ही उसको क्या करना है, डिसीजन भी लेने हैं काफी सारे। This role in this category involves using information सबसे पहले as an entrepreneur work करता है। A manager creates and control change within the organization. This means solving problems, generating new ideas and implementing them. Entrepreneur क्या करता है? Entrepreneur क्या करता है? हमेशा initiatives देता है, नए नए ideas लेके आता है और क्या करता है, उनके बेस उनको फिर implement करता है। तो उसे manager को किसकी तरह काम करना पड़ता है, as a entrepreneur। फिर क्या बोल रहा है, डिस्टर्बेंस हैंडलर। क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि स्मूथली वर्क होता रहता है हमेशा, एक मैनेजर को बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं या बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनके साथ काम करना होता है, साथ काम करवाना होता है। तो उसका एक वर्क क्या होता है, वो सारे डिस्टर्बेंस को क्या करता है, हैंडल करता है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन टीम हिट्स एन अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक्स, it's the manager who must take charge. He also need to help mediate dispute within it. तो क्या बोल रहा है कि वो उसमें क्या कर रहा है, for example broke down of machinery, power failure, dispute between two groups of worker, overdraft facility by the bank. He handles these crises quickly and tactfully. क्या करना है उसको, अपनी समझदारी से समझ के सोच के क्या करना है, डिसीजन लेना है। कभी ब्रेकडाउन हो गया, मगर कोई प्लांट की बात करें, कभी पावर फेलियर हो गया, दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हो गया, दो लोग दो ग्रुप काम करते हैं उनके बीच में, तो उनको क्या करना है, उसको क्या करना है, अपनी समझदारी से जल्दी उस डिसीजन को क्या करना है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो क्या करता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर भी है, डिस्टर्बेंस को हैंडल करता है। फिर रिसोर्स एलोकेटर। A manager also need to determine where the organization resources are best applied. This involves allocating
फंडिंग्स एज वेल एज असाइनिंग स्टाफ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. इन दिस रोल ही अप्रूव्स बजट, एलोकेट रिसोर्सेज. वो क्या करता है, शेड्यूल्स बनाता है, वो चेक करता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे वो फंड हो, चाहे वो उसका स्टाफ हो या ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा रिसोर्सेज हो. ये भी किसका काम होता है, मैनेजर का. एंड द लास्ट वर्क इज नेगोशिएटर. नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग होता है एक टाइप से. तो वो क्या करता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही एक्ट एज अ नेगोशिएटर विद द collaboration of trader and supplier. A manager may be need to take part in and direct important negotiation his team, department or organization. वो क्या करता है, supplier, vendors के साथ भी क्या करता है, discussion करता है और negotiation में भी क्या करता है, organization की help करता है. तो ये सारे क्या है, उसके roles and responsibility है. किसके, किसी भी individual manager की बात करें. और अगर generally देखा जाए तो manager के तो क्या होते हैं, बहुत सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते ही हैं. क्लियर है सभी को? जब भी आपको क्वेश्चन आएगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हु इज मैनेजर. मैनेजर कौन है पहले ये बताना है, और मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उसके बाद उसके फंक्शंस होते हैं एंड देन उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्कस करके फिर इनको बता सकते हो, या लास्ट में चाहो तो लिख सकते हो दीज आर ऑल्सो द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल. क्लियर है? यस मैम.